वेलकम बैक। हाइपर फाइटर आज लेके आया है गॉडज़िला ओमनिवर्स में एक नया कारनामा। इस बार एलियंस ने गॉडज़िला के ऊपर कम से कम 6 टाइटन से अटैक करवाने वाले हैं। अभी बस देखना यह है कि गॉडज़िला अकेले में उन 6 टाइटन से भीगकर क्या वो इस दुनिया को फिर से बचा सकता है, या फिर गॉडज़िला यहाँ पर ही अपना खुद का समाधि बना देगा और धरती धीरे धीरे एलियंस के कब्जे में आएगा। तो चलिए जरा जाकर जरा देखते हैं। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। सो लेट्स गो। तुम एलियंस कभी नहीं सोचोगे, क्या बात है। कॉन्ग और मोत्रा मेरे स्पेक्टर पे आए हैं, इसका मतलब ये हुआ मैं अभी जीन मोत्रा और कॉन्ग के साथ भी हूँ। ये सब क्लोन है, यानी कि एआई। अरे हाँ गॉडज़िला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हम नहीं है और ना ही कॉन्ग वहाँ पर है। अभी तो हम दोनों तो तुम्हारे स्पेक्टर पे आए हैं, लेकिन हम दोनों इतने ज़्यादा दूर पे हैं कि हम चाहकर भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तुम्हें अकेला ही फाइट करना होगा और हमें भरोसा है तुम धरती को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मोचा, तुमने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया। ये लो, अब इस छछुंडा जैसे दिखने वाले इस कॉन्ग की बारी। हे कॉन्ग, क्या तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास तो एटॉमिक ब्रीथ है, उसका फ़ायदा ले सकते हो तो यहाँ पर। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मुझे मौका नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं इनके ऊपर मैं एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल करता, लेकिन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है मुझे। तुम दोनों फिक्र मत करो, तुम दोनों बस देखते जाओ कि मैं कैसे। अरे चलो, मोचा को तो मैंने तो मार दिया, ये एआई वाला मोचा को। अब बस इस कॉन्ग का भाई, इसने मुझे उठा के फेंका था, इस पर मैं एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल कर ही सकता हूँ। और सुनो गॉडज़िला, तुम अपने गामा रेडिएशन का भी तो पावर तो इस्तेमाल कर सकते हो। अरे यार, तुम अभी अपना नॉर्मल ब्लू वे का इस्तेमाल करो, बस जैसे कि तुम्हारा पहले जैसा वो एटॉमिक ब्रीथ था वही इस्तेमाल करो। कम ऑन, गामा रेडिएशन का तो एक झटका तो चाहिए। इस कॉन्ग को मारो गॉडज़िला, तुम कर सकते हो। तो फिर ऐसा ही सही, मोत्रा तुमने तो बोल ही दिए हो, तो फिर इस पर तो गामा रेडिएशन का तो एक झटका तो बनता है, बस मुझे एक थोड़ा सा मौका मिलने दो। और आज वो एलियन के हेड हमसे बातें नहीं कर रहा है, बस देख रहा है, ये मुझे मालूम है। अब संभालो खुद को। मेरे ख्याल से उस एलियंस का तो फट गई है। हाँ गॉडज़िला, तुमने बिल्कुल सही कहा, जब किसी के फटता है ना तब वो साइलेंट मोड पे चला जाता है। अरे बाप रे, यहाँ पर मेका गॉडज़िला और अरे यार इंसानों के द्वारा बनाए हुए वो गरुड़ा वन को भी यहाँ पर लाया है। रुको, इन सब को अभी मजा चख रहे थे। मैं जानता हूँ इन सब को इंसानों ने नहीं बनाया, क्योंकि इंसानों ने जिन जिन चीज़ को बनाया था वो सब तो हमने ही नहीं तो तोड़ दिया है। तो फिर ये एलियंस का बना हुआ चीज़ है, क्या बोलते हो मोचा? हाँ ऐसा ही, क्योंकि एलियंस तो पूरा जेरॉक्स कॉपी बनाने में तो बहुत ज़्यादा डिप्लोमा लेके बैठा हुआ है। अरे मोचा ऐसा मत बोलो, वो सब तो प्रोफेसर बन चुका है, जब देखो कोई ना कोई जेरॉक्स कॉपी यहाँ पर भेज ही देता है। कोई उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारते है क्या? वो गॉडज़िला क्या कमाल, अरे बाप रे, ये गरुड़ा वन को तुम ध्यान से देखो, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हें। हाँ मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा गुदगुदी कर रहा है, लेकिन मैं इस कमीने मेका गॉडज़िला को पैर में तोड़ डालूँ, उसके बाद मैं उसे जाकर फिर से देखता हूँ। तुम दोनों फिक्र मत करो, आज एलियंस भी हारेंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मालूम नहीं आप फाइनल जो फाइट होने वाला है, यानी कि एलियंस ने कम से कम 3 जगह पर 2-2 टाइटन्स छोड़े हैं, और ये तो दूसरे जगह पर 2 टाइटन्स, यानी कि 4।
लगता है मैं चार लोगों को, चार टाइटन को मैं मार पाया। अभी तो मार नहीं पाया, ये दोनों को मार पाया, और ये दोनों तो ऐसे ही तो हो ही जाएंगे, बस ऐसे ही हो। अरे अरे कितना मारेगा ये गरुड़ा वन। भाई तुम अपना एटॉमिक बीट का इस्तेमाल करो। अभी भी मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ऐसे ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे साइड में इन सब को बैंड बजा सकता हूँ। मैं इस्तेमाल करूँगा। अरे भाई दोनों तरफ से मारा ये। आज तो एलियन तो सोच रहे कि आज मुझे मार कर इस दुनिया को वो सब अपने नाम पे करेंगे, लेकिन यही उन सब के लिए गलत फहमी होने वाला है। अब संभाल मेरा ब्लू वे, मेरा एटॉमिक वेट। सॉरी कॉन्ग और मोत्रा, अभी मैं सोचा उस गामा रेडिएशन का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करूँगा, नहीं तो मेरा सारा का सारा रेडिएशन ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं एटॉमिक बीट को ठीक तरीके से फायर नहीं कर पाऊँगा। हाँ गॉडज़िला बिल्कुल सही, तुम सही करो, तुम अपने तरह से फाइट करो, हार मत मानो। वो गॉडज़िला क्या फेंके हो उसे, ये मिका गॉडज़िला कुछ ज़्यादा ही चिपकू जैसे लग रहा है, जब देखो तुमसे चिपक जाता है। ओ हो गामा रेडिएशन, ये हुआ ना असली गॉडज़िला वाला बात। अरे यार तुम दोनों इतना ज़्यादा बोल रहे हो, क्यों तुम लोगों को भी चाहिए क्या गामा रेडिएशन का झटका? अरे नहीं नहीं हम मजे ले रहे हैं। अरे ये क्या था? उसने मेरे पर प्लाज्मा फायर किया है। कोई बात नहीं, मैं फिर से उठ खाया हूँ। अच्छा अब ये देखो पीछे से बाहर कर रहा है, वहाँ पर इतने दूर पे जाकर क्या कर रहा है। अब मैं आ रहा हूँ तेरे पास, अब तो तैयार हो जाए अपने मौत के लिए। आज एलियंस का तो बहुत ही बुरी तरीके से फट गया, नहीं तो अब तक कुछ ना कुछ तो बोलते ही। क्या हुआ एलियंस, आज तुम सब अपने औकात को ही भूल जाओगे। गॉडज़िला से जो भी पांगा लेता है वो ऐसे ही नंगा हो जाता है। हे गॉडज़िला, क्या एलियंस कपड़े पहनते हैं? देखो सच बोलूँ तो कपड़े का तो पता नहीं, लेकिन आज के बाद ये लोग कुछ भी पहनने के काबिल नहीं रहेंगे। ओहो क्या क्या खतरनाक तरीके से मारे हो यार। अरे बाप रे बाप, फिर से गामा रेडिएशन। भाई तुम तो कमाल कर दिए हो। कौन अभी समझो ना क्यों हम उसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर बुलाते हैं, क्योंकि गॉडज़िला इसी का ही लायक है। वो भाई न्यूक्लियर पल्स का इस्तेमाल करने वाला है, अब वो अपना अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका है। ओहो भाई एलियंस का ये देखकर तो जरूर हाँक दिए होंगे। काश हम सब भी गॉडज़िला के साथ होते, एक साथ मिलके फाइट करते। अब तो लगता है कि फाइनल ओपोनेंट के साथ फाइट होने। ओ भाई ये दोनों के दोनों ही गॉडज़िला है। ये सब भी क्लोन्स गॉडज़िला है, कोई ओरिजिनल गॉडज़िला नहीं है। अरे नहीं यार, ओह लगता है कि इस बार बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है मेरे पर। वी आर सॉरी गॉडज़िला, हम ऐसे मौके पे तुम्हारे पास भी नहीं आ सकते, और ना ही हम उन सब से मुकाबला भी ठीक से कर पाएंगे। हमें माफ़ कर देना गॉडज़िला, हम ये ऐसा होते हुए नहीं देख सकते कि तुम इस तरीके से मार खा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बोसा भी तो जीत जाएंगे और एलियंस आ जाएगा हमें धरती पे, तब हम पता नहीं कितने दिनों तक हम रोक पाएंगे उन सबको। नहीं इसमें तुम सबकी कोई गलती नहीं, प्लीज़ तुम लोग सॉरी मत बोलो। मैंने इतने सारे टाइटन्स को मारे हैं, तो फिर मैं अभी भी चाहूँगा कि इन दोनों को उसी तरीके से मार डालूँ और उन एलियंस को समझा दूँ कि चाहे वो लोग जितने ही कोशिश करें गॉडज़िला कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। हाँ गॉडज़िला तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने आज तक जिन जिन टाइटन्स को हारे हैं वो सब इनसे भी ज़्यादा ताकतवर है। वो सब याद करके तुम उन सब को हरा दो और धरती को बचा लो, नहीं तो इंसानियत भी ख़त्म हो जाएगा। कम ऑन गॉडज़िला।
अरे नहीं नहीं ओह नो, लगता है इस बार मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं हार सकता। वाह बहुत ज्यादा जलन हो रही, अभी तुम सबको दिखाना पड़ेगा क्यों मैं किंग ऑफ द मॉन्स्टर हूँ। अरे ये नजारा पहले कभी नहीं देखा, गॉडज़िला कितना जोर से चमक रहा है। वो भाई गॉडज़िला का ऐसा फॉर्म पहले कभी नहीं देखा। रुको सीन, गॉडज़िला फिर से कुछ फायर करने वाला है, ये भी गामा रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहा है। आप तैयार हो जाओ तुम सब अपने मौत के लिए, तुम्हारा जो गामा रेडिएशन है वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा और ना ही तुम सबका आप कुछ बचने वाला है। तैयार हो जाओ मौत के लिए। Come on, Godzilla. आप देखो मेरा फिनिशिंग टच, इनकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। आप देखो अपने अंत को। Godzilla, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, यही है हम सबके असली किंग। सिर्फ किंग नहीं बोलो, किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडज़िला। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है, तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब तो बनता है। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी ने एंजॉय किया है, तो मैं आप सबसे मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अलविदा।